हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल टेक्निकलर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी नया अपडेट आया है परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट में। नया अपडेट है कि जो भी दिव्यांगजन है, उन्होंने अपना जो दिव्यांग सर्टिफिकेट होता है वो अपडेट नहीं कराया है, या फिर गलती से परिवार पहचान पत्र में वो अपडेट नहीं हो पाया है, तो हम उसे कैसे यहाँ पर अपडेट कर पाएंगे। वीडियो नया है, बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि पूरी इन्फॉर्मेशन की जानकारी आपको मिले, तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए, क्या है अपडेट और किस तरीके से हम इसे अपडेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर लॉगिन हो जाना है। जब आप लॉगिन हो जाओगे, उसके बाद में करेक्शन मॉड्यूल पे आपको जाना है। ये जो मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, यहाँ पे जब आप यहाँ पे जाएंगे तो एक नया पेज ओपन होगा इस तरीके से। वहाँ पे एक सर्च बॉक्स होगा, यहाँ पे आपको फैमिली आईडी देनी है अपनी और गेट फैमिली पे क्लिक कर देना है। जब आप गेट फैमिली पे क्लिक करेंगे तो जो भी फैमिली आईडी आपने दी है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखेगी, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद सेम उसी पेज पे जब आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेंगे, फैमिली आईडी, मेंबर नेम और फील्ड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मेंबर नेम में से जो आपको वो मेंबर चुनना है जिसके लिए आपको दिव्यांगजन का जो अपडेट करना है, मीन्स दिव्यांग है जो बंदा, वो आपको यहाँ से चूज करना है। उसके बाद में आपको जो फील्ड है, फील्ड में से आपको यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू देखने को मिलेगा और यहाँ पे इसमें से आपको इज दिव्यांग जो आप देख रहे हैं इसको सिलेक्ट कर लेना है। जब आप जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे और खुल जाएगा, ये वाला। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इज दिव्यांग अगर आपने पहले नो किया हुआ है तो यहाँ पर एन लिखा आएगा, और अगर आपने यस किया है तो यहाँ पे वाई लिखा आएगा। मीन्स आपको अगर यहाँ पे ऑप्शन हटाना है तो आप यहाँ दोनों चीज़ें कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद में आपको इस वाले पोर्शन पे जाके सेलेक्ट में से यस या नो चूज करना है। अगर आपने अभी दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट है वो परिवार पहचान पत्र में अपडेट नहीं किया है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज़ अगर वहाँ पे हटाना है तो आप नो करेंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपको चेंज मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है यस। मैंने यहाँ पे यस जब सेलेक्ट किया तो ये फील्ड और आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये न्यू फील्ड और ओपन हो जाएंगे। उसके बाद में आप इन फील्ड में से क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा आपका जो है दिव्यांग कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, ऑर्थोपेडिक है, ब्लाइंडनेस है, इसमें से जो भी आपकी जो भी कैटेगरी है वही आप यहाँ पे चूज करें। चूज करने के बाद में आपको डिसेबिलिटी टाइप चूज करना है, यहाँ पे टेम्परेरी और परमानेंट है। अगर आप टेम्परेरी करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे एक डेट का ऑप्शन और आ जाएगा, अदरवाइज़ आप परमानेंट करते हैं तो परमानेंट के लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन और खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको परसेंटेज देनी होगी इस वाले फील्ड में, और यहाँ पे डेट ऑफ इश्यूइंग ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मीन्स जब सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ था तो उस डेट को आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको करना क्या है, जो ये ऑप्शन है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट देंगे, मीन्स जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद में वेरीफाई ओटीपी यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हो तो एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर देना होगा जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल रहेगा आपका। ठीक है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपको एक ओटीपी चला जाएगा
और वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिर से देना पड़ेगा और आपको ये वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप पूरी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आगे चली जाएगी और जो आपका ये परिवार पहचान पत्र में जो भी अपडेशन आप चाहते हो वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो इस किस तरीके से हम अपलोड कर पाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा इस तरीके से बात कर रहा हूँ क्योंकि जो गला है मेरा वो ख़राब हो रखा है, ज़ुकाम हो रखा है, इसलिए थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ में। बाय बाय।